हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम कंपटीशन एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है प्रतिशत, परसेंट। तो इसको हम दोस्तों जीरो से लेकर स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको हमारे साथ वीडियो में बने रहना है, है ना। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रतिशत को। तो हमें पता है इस प्रतिशत को हम इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंट, परसेंट। तो सबसे पहले इस परसेंट का मतलब ही जान लेते हैं, परसेंट का मतलब क्या है। तो यहां से हम देख रहे हैं दोस्तों, इस ये तो क्या है, पर। जो परसेंट है वो दो शब्दों से मिलकर मला है, एक क्या है पर है और दूसरा क्या है सेंट। अब सेंट का मतलब है यहां पर सेंचुरी। क्या है? सेंचुरी, सेंचुरी। और सेंचुरी का तो आप मतलब जानते ही हैं, आप तो सेंचुरी को जानते ही हैं कि क्रिकेट में हमने देखा है कि ब्राड ने सेंचुरी मार दी, रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी। अब सेंचुरी मार दी मतलब उसने 100 रन बना लिए। कितने रन बना लिए? 100, है ना। तो इस सेंचुरी का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। और पर का मतलब तो आप जानते ही हो, जहां पर लगा है मतलब वन का बटा। पर का मतलब क्या होता है? वन का बटा। हम जैसे बोल देते हैं ना, लीटर प्रति सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड, है ना, मीटर पर स्क्वायर, ऐसा बोल देते हैं। तो पर का मतलब क्या होता है? प्रति। पर का मतलब क्या होता है? एक का बटा, एक का बटा। अब एक का बटा क्या? 100। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। तो जो प्रतिशत है, उस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। और 1/100 का जो साइन है वो ये है। मतलब प्रतिशत को हम 1/100 से या फिर इस वाले साइन से व्यक्त करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपके दिमाग में फिट कर लेना है। यदि कहीं प्रतिशत लगा है तो उसको हम इस 1/100 से गुणा करेंगे तो उसका प्रतिशत वो हट जाएगा। आइए उसको हम देखते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं ये 20% लिखा है, इस प्रतिशत को हटाना है तो हमें क्या करना है? 1/100 का इसमें गुणा करना है, है ना। प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है ना। तो ये लिख दिया 20 × 1/100, 1/100। या फिर हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? 20 बटे क्या लिख देते हैं? 100 लिख देते हैं, ऐसा ही लिखते हैं ना। तो इसका मतलब ये होता है, और अपन ऐसे लिख देते हैं ना, किसी से पूछो कि क्यों तो नहीं बता पाते, लेकिन आज के बाद आप सब लोग बताओगे, है ना, कि क्यों आता है। तो इससे जीरो से जीरो काट देंगे, दो से काट देंगे, तो क्या आ गया हमारा? 1/5। तो 20% मतलब क्या है? 1/5 है। इसी प्रकार अगर 25% लिखा है, 25% लिखा है, तो इस परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 25 × 4 क्या हो गया? 100 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? 1/4। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत को टेस्ट में चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब आपको आ गया कि आप 4/5 को प्रतिशत में चेंज करो, तो आप क्या करोगे? अभी तो आपने बोला था, अभी तो जैसे प्रतिशत लगा है तो आप 1/100 लगा दोगे, आपने कर दिया। लेकिन इसमें बोला कि इसको आप प्रतिशत में चेंज करो, तो आप क्या करोगे? आप क्या कर दोगे? 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? 100 का मल्टीप्लाई। तो काट दोगे 5 × 2 = 10, और ये 20 हो गया, 20 × 4 क्या हो गया? 80 हो गया। और आपने बोल दिया 80%। अभी परसेंट कहां से आया? हमने तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, ये परसेंट कहां से आ गया? ये बिन बादल बरसात कहां से हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं करते हम। रियली में क्या करते हैं, जैसे जो 4/5 है इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करते हो? 100 से गुणा करते हो और 100 से भाग दे देते हो। क्योंकि ये तो हमारे मैथ के नियम में ही नहीं है कि 100 से गुणा कर दो एक तरफ। हमारा मैथ का नियम करता कहता है या LHS RHS में दोनों में गुणा करो, या फिर गुणा भाग दोनों करो, तब होगा, है ना। तो यहाँ तो हमने गुणा कर दिया, भाग भाग वगैरह दिया नहीं, या फिर RHS में भी हमने कुछ नहीं किया, RHS का था ही नहीं, तो ऐसे कैसे करते हैं? तो हमारे नियम में ही नहीं है। तो वास्तविकता क्या है कि हमें ऐसा करना चाहिए, 100 से गुणा और 100 से भाग। तो जब हमने 100 से गुणा और 100 से भाग दिया तो ये क्या हो गया? 4/5, और ये क्या हो गया? 100 के बाद देखो 1/100 क्या हो गया? प्रतिशत, है ना। और ये 100, ये वाला 100 अब हमने बदल दिया इसको प्रतिशत।
है ना। तो अब हम इसको काटेंगे तो 5 × 2 = 10 और 20, और 20 चौके क्या हो गया 80, और ये परसेंट है तो ये परसेंट। तो वास्तविकता इसकी ये है ना। वैसे अगर हमें चेंज करना है तो अगर तो डायरेक्ट जैसे 5/4 को करना है तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं 100% कर देते हैं ना। अब ये डायरेक्ट कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वास्तविकता इसकी ये है। मैंने आपको वास्तविकता तक ले जाया, मैंने बताया था 0 से लेकर हाई लेवल तक ले जाऊंगा, तो इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं और भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं 100 का गुणा करके, है ना। जैसे 5/4 ये भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या कर दोगे 100% से इसमें गुणा कर दोगे। अब ये फंडा मैंने बता ही दिया है ना। तो क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 2, 4 × 5 = 20 है ना। 25 चौकी क्या हो गया 100 हो गया। ये इस टाइप से आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप कर सकते हैं। तो भिन्नों को आप चेंज कर सकते हो। अब थोड़ा सा और हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, जैसे हमसे पूछ लिया 4/5 के कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ गए, या फिर आप ये समझ लो कि यदि आपके पास प्रतिशत का कोई क्वेश्चन है, तो आपको उसमें हमें ये देखने की जरूरत होती है कि वो किसके बारे में पूछ रहा है। अगर आपको पता चल गया कि वह किसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो उसने बोला है 4, किसके बात को कर रहा है वो 4 की, कि 4/5 के कितना प्रतिशत है। तो बात तो वो 4 की कर रहा है ना, कि 4 कितना प्रतिशत है 5 की, है ना। तो आपको याद रखना है जिसके बारे में पूछेगा उसको आप ऊपर लिखेंगे। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 5 के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको आप नीचे लिखोगे। इसको किसमें प्रति चेंज करना है, प्रतिशत में। किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में। तो आप प्रतिशत में करने के लिए क्या कर देते हो, 100% से गुणा, है ना, 100%। अब मैंने आपको पूरा इसको बता दिया, मैं डायरेक्ट करूंगा, है ना, 100% से। तो आप क्या करोगे, 5 × 2 = 10 = 20, और 20 चौके कितना हो गया 80, कितना हो गया 80। मतलब जो 4 है वो 5 के 80% है। 4/5 का कितना है 80%। अब जैसे अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। अब हमसे ये पूछा कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ लिया। तो आप ये बताओ कि जो 4 है 5 से कितना कम है, 4 के बारे में पूछ रहा है ना, कितना कम है आप हमें बताओ। तो आप कहोगे शायद 1 कम है 4, तो जितना कम है उसको आप लिखो ऊपर। अब किससे कम है, 5 से, तो 5 को आप लिखो नीचे। इंटू क्या कर दो आप 100, इंटू क्या कर दो आप 100। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 × 2 = 10 = 20, 100% से करेंगे तो ये 20 आ गया। तो अपना कितना है 20%। तो जो 4 है 5 से कितना परसेंट कम है 20, समझ रहे ना दोस्तों। इसके बाद यदि हमसे क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि जो 5/5 = 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अब किसके बारे में बात कर रहा है, अब वो 5 के बारे में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट। तो आप ये बताओ कि जो 5 है वो 4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, है ना। अब बटे में हम क्या लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे 4, क्योंकि वो 4 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो बटे में 4। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर दोगे, इनटू 100%। 4 से काट देंगे तो 4 × 2 = 8 = 10 हो गया, सॉरी 4 × 2 = 2 हो गया, 20 हो गया, 4/5 = 20, तो कितना प्रतिशत है 25% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है 25%। जैसे हम थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं और उस लेवल के क्वेश्चन देखें, तो इसमें जैसे हमें आ जाता है कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है, कितने प्रतिशत क्या है 6। तो हमसे बात किसकी कर रहा है, वो 6 की कर रहा है। अब किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, वो 48 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना। तो 48 का कितने प्रतिशत 6 है, 6 की बात कर रहा है ना। तो जिसकी बात कर रहा है उसको कहां करेंगे, ऊपर।
आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, 48 के, तो 48 को हम क्या कर देंगे नीचे। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, प्रतिशत में, तो हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम 100% से क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे। तो अपन काट देंगे इसको, तो देखो इधर 2 से काट देंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 50, फिर से अगर 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 4 और ये हो जाएगा 25। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बाद अगर हम 6 से काट दें तो 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, तो ये हमारे पास आ गया 25/2। इस 25/2 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 = 4। अब 12 बार तो पूरा चला गया, तो ये हमारा पूर्ण नंबर हुआ, अब बचा कितना 1, तो 1/2, 1/2, ये हमारे पास परसेंट आ गया, ये रहा या फिर ये रहा, मतलब जो 48 है 48 का 12 × 1/2% कितना है 6 है, आपका ये आंसर होगा। इसके बाद और थोड़ा हम देखते हैं क्वेश्चन को, जैसे हमसे पूछ लिया गया 48 का कितने प्रतिशत 36 है, 48 का कितने प्रतिशत क्या है 36 है, तो इसको तो मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ। वैसे तो आप जानते हो कि 48 × 2 = 36, कोई भी पदार्थ जो कोई भी वस्तु रहती है वो 100% रहती है, अपने दिमाग में फिट करके रख लेना, कोई भी जो वस्तु रहती है कोई भी पदार्थ रहता है वो अपने आप में 100% रहता है ना। अब ये 100% है, अब ये 100% है, तो ये इसका दोगुना है। अब 100 और 100 क्या करेंगे, 100 100 जोड़ देंगे तो 200 आ जाएगा, मतलब इसका 200% 36 होगा, क्योंकि डबल है ना। तो वैसे तो हमने आंसर इसका निकाल लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करें, अगर जैसे मान लीजिए चलो कुछ बड़े नंबर आ जाए और कुछ इस प्रकार से नंबर आ जाए जिनको हम सॉल्व कर ना पाए तो बात करेंगे, है ना। तो 18 का कितने प्रतिशत 36 है, तो हमसे किसके बारे में पूछा 36 के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में 18 के रिस्पेक्ट में, तो जिसके बारे में पूछा उसको हम क्या करेंगे ऊपर रख देंगे, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा 18, तो ये लिख दिया 18। अब प्रतिशत है तो किससे 100 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो 18 × 2 क्या हो गया 36 हो गया, 2 को 100 में कर देंगे तो 200, ये आपका 200 आंसर आ गया, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा हम लेवल बढ़ाते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा लेवल हम और बढ़ाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप उसको समझिएगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों मुझे जो 100 है इस 100 का 10% निकालना है, 100 का क्या निकालना है 10% निकालना है, तो आप कह दोगे सर 10 रुपए है, लेकिन ये 10 रुपए आया कैसे, वास्तविकता पहले उसकी ये है, आपने क्या किया इसका 10% निकाला, तो आपने क्या किया 10 से गुणा कर दिया, 10% इसका 10% निकाल रहा है ना, तो आप क्या करोगे 10/100 से इसमें गुणा कर दोगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं, आप ये सही में बताओ कि क्या है। तो देखो आप क्या करोगे, जैसे ये 100 लिखा है तो इंटू 10% निकालना है, तो आपने क्या कर दिया 10/100 कर दिया, ऐसा किया ना, तो आप क्या करोगे इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दोगे, है ना। अब 100 बटे क्या आ गया 10 आ गया। अब इस 10 से हमें भाग देना है, तो क्या करते हैं जब 10 बटे में 0 वाला होता है तो हम भाग देने के लिए क्या करते हैं, जब 0 होता है तो एक अंक पहले, इससे भाग देना है ना 10 से, तो एक अंक पहले क्या लगा देते हैं 10 लगा देते हैं, तो आपको ऐसे ही करना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये तो आप कर लोगे। ये मैं ऐसे करवा क्यों रहा हूँ वो अभी मैं तुरंत में बता रहा हूँ कि क्यों मैं ऐसा करवा रहा हूँ, पहले आप ऐसा कीजिए, तो बाकी आप जैसा करना है वैसा करते रहना, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा समझिए, है ना। तो अब देखें इसका मतलब क्या है, उसका मतलब बताते है ना। अब जैसे आपसे पूछा है 50% का 60 बराबर क्या, मतलब जो 60 है उस 60 का 50% क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन को इसने घुमा दिया, लेकिन उसमें में ही तो हम घूम जाते हैं, लेकिन वो नहीं करना, अब आपको बता दे रहा हूं, आगे हो या पीछे हो मतलब वो ही है। अब यहां से पूछा है 60 का 50% कितना, आप हमें बताओ। देखो अब 50% क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं कोई भी वस्तु 100% होती है, अब इसका 50% मतलब क्या करोगे आप, इसका मतलब क्या करोगे, 50% का मतलब क्या होता है 50/100, 100 से 100 काट दोगे क्या बचा 50, मतलब सीधी सी बात पस, जो 100 है उसका आधा, किसी भी वस्तु का किसी पदार्थ का आधा होता है 50%, कितना होता है आधा।
अब 50% 60 का है, अब 60 का आधा क्या हुआ 30, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 30 हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया 30 हो गया। हमको करना ही नहीं है, पेन उठाना ही नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। नहीं तो आप कैसे करते, लिखते क्या 50/100 इंटू क्या लिखते 60 लिखते, बराबर इसको सॉल्व करते तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 5 6 31 आज तो वही था, मतलब तो वही है, आपको ऐसे कर है ना। तो क्या करना है 50% ऐसे बोल दिया। अब इसने बोला है कि 45 का 20%। अब हम क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें दिया है जो पीछे नंबर बोल रहा है ना, 20% पूछा है किसका 45 का, रिस्पेक्ट में किसके बात कर रहा है वो 45 की है ना, तो इसलिए हम यहां से पढ़ रहे हैं। तो 45 कितना 20%। अब हमें आप ये बता दो सर कि 45 का 10% कितना हुआ। आप 10% निकालने के लिए क्या करते हो, एक अंक पहले दशमलव लगाते हो, तो इसका जो 45 है, इस 45 का 10% क्या हुआ 4.5 हुआ, होगा ना 4.5। अब 20 पूछा है ना, तो 4.5 और 4.5 कितना हो गया 9 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। और आप सॉल्व करो तो कैसे करोगे, 20% है ना 100 इंटू क्या आ गया 45, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दोगे, 2 5 क्या हो गया 10 5 9 45 आ गया ना। तो वही है चीज, आपको वही है आपके दिमाग में फिट करना। इसके बाद हमसे पूछा है 500 का 66%, 500 का कितना परसेंट 66%। तो आप बोलोगे सर हम 66% कैसे निकाले, तो कुछ नहीं करना, आप हमें इतना बता दो कि जो 66 है उसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना, ऐसा आप लिख सकते हो, ऐसा आप लिख सकते हो क्या इसका, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप हमें ये बताइए कि जो 66 है, 66% को हमने ऐसा लिख दिया, तो ये किसका है 66%, 500 का है, किसका है 500 का। तो आप 500 का हमें 50% तो बता दो पहले, आप 500 का 50% आपने बोला सर 250 हो गया। हमने पूछा 500 का 10% कितना होता है, तो आप एक अंक पहले दशमलव लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब बोला हमने 5%, तो अब बोलोगे सर हम 5% कैसे निकाले, तो 10% तो निकाला ना, 10% कितना है 50, तो 10% कितना है 50 है, तो इसका 5% कितना हो गया आधा 25 हो गया। अब 1% निकालना है, तो 1% निकालोगे तो 2 अंक पहले दशमलव लगाओगे तो कितना बचेगा 5, तो ये कर दिया 5, इन सबको जोड़ दो 250 कितना हो गया 300 हो गया, 325 हो गया, 355 आंसर आपका 355 आ गया। लो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे सॉल्व करने ही नहीं है, बाकी फिर गुणा करते भाग करते आप कैसे भी, इसको तो आप अरल भी कर ला सकते हो, कैसे कि जैसे 60% पूछा है तो 50 10 5 और 1 है ना, तो 250 हो गया और 10% 50 हो गया। सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है जोड़ने में, 250 और 50 300 हो गया, 325 हो गया और 5 हो गया 30, तो ये 300 क्या है 30 है ना, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी है। तो आप इसको ऑरली भी कर सकते हो, कैसे करोगे ऑरली, जैसे 500 है इसका कितना परसेंट 66%, तो आप 50% निकालोगे 250 हो गया, 10% निकालोगे तो 50 हो गया, 250 में 50 जोड़ के कितना आ गया 300, अब 5% 50 का आधा 25, 325 और 1% कितना हो गया 5, आपका आंसर आ गया। आप देखते ही आंसर ले आओगे, बस उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है जो मैथ है वो प्रैक्टिस मांगती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप कॉन्फिडेंट रखोगे अपने ऊपर, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे पूछ लिया हमसे 160 का क्वेश्चन मार्क अंडर रूट क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 32 है, तो जो क्वेश्चन मार्क है उसका मान हमसे पूछा है, तो इसके लिए हम इसको साफ कर लेते हैं पहले, चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है 160 का कितना परसेंट अंडर रूट परसेंट, तो आप क्या करो पहले आप इस अंडर रूट को रिमूव कर दो, आप मान लो कि अंडर रूट यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर मान लो आप एक्स है, क्या है एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ 160 है इंटू, अब का मतलब इंटू होता है एक्स परसेंट, मतलब एक्स बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना, बराबर, अब परसेंट का मतलब 1/100 होता है, तो ये हो गया बराबर कितना हो गया 32 हो गया। तो आपने क्या किया 16 दूनी क्या हो गया 32 हो गया, यहाँ पर क्या बचा 10, यहाँ पर क्या बचा 2 बचा। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि 2 एकम 2 2 5 10 2 5 10, अब इस जो 5 है अब इसको पहले लिख लो, क्या बचा यहाँ पर 5x/100 आ गया, बराबर क्या आ गया यहाँ पर 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 दूनी 10 और ये हो गया 20, तो x बराबर x अटे
20 हो गया बराबर 1, इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या आ गया हमारा 20 आ गया, x बराबर क्या आ गया 20 आ गया। लेकिन ये तो अंडर रूट में था, ये तो अंडर रूट में था, तो आप ये बताओ कि 20 किसका अंडर रूट होता है। तो आप कहोगे सर 400 का होता है 20, कितने का होता है 400 का, मतलब इसकी जगह पर कितना था 400 था, जब 400 अंडर रूट में होगा तब तो 20 आएगा ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 नहीं होगा, क्या होगा x बराबर 400, अंडर रूट जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा आपका 400, क्योंकि ये अंडर रूट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है अंडर रूट की, आप ये समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे, अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे और इसमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ा के मिलेंगे, इस प्रकार से हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, थैंक यू वेरी मच।